नासिक एक ऐसा शहर जो उच्च सांस्कृतिक मूल्यों को धराता है और जहाँ श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। श्री राम की उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है जब हम विभिन्न मंदिरों की यात्रा करते हैं एंड फॉलो देयर इम्प्रिंट्स। नासिक प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है क्योंकि यहाँ घूमने के लिए और प्रकृति से जुड़ने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं। इसके अलावा यह खाने पीने के शौकीनों के लिए भी एक स्वर्ग है। फ्लैश मारो। सो जॉइन अस एज वी शो परफेक्ट 3 डेज आइटिनरी टू एक्सप्लोर नासिक। नासिक रोड और रेल ट्रांसपोर्ट से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है और भारत के किसी भी हिस्से से आप नासिक में आसानी से पहुंच सकते हो। पहले दिन आप पंचवटी घाट पर जा सकते हैं और मैजेस्टिक गोदावरी नदी के दर्शन कर सकते हैं। फिर आप पास के सदियों पुराने मंदिर जैसे कालाराम मंदिर, गोराराम मंदिर, सीता गुफा, कपालेश्वर शिव मंदिर और राम कुंड के दर्शन कर सकते हैं जो पंचवटी घाट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आए हुए हैं। ये सारे के सारे प्लेसेस की महत्ता जानने के लिए आपको एक गाइड तो ज़रूर हायर करना चाहिए। इतने सुंदर मंदिर के दर्शन करके मुझे वास्तव में शांति का अनुभव हो रहा है। अभी हम आए हैं तपोवन में और यहाँ पे है गोदावरी नदी और कपिला नदी का संगम एंड इट इज रियली ब्यूटीफुल। माना जाता है कि तपोवन वह स्थान है जहाँ लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। हम सभी ने रामायण देखी या पढ़ी तो है ही, लेकिन जहाँ श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण वास्तव में रुके थे वहाँ जाने का एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसे एक्चुअली में महसूस करके करने के लिए आपको यह जगह ज़रूर आना चाहिए। दोपहर के भोजन के बाद आप नासिक में रामसेज फोर्ट को देख सकते हैं। हम रामसेज फोर्ट पे ऑलमोस्ट पहुंच गए थे लेकिन यहाँ पे आगे जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और प्रॉपर स्टेप्स भी नहीं है। आपको पहाड़ के ऊपर एक्चुअली चढ़ के जाना पड़ेगा। देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन द मानसून सीजन। इवन दो हम ऊपर तो नहीं जा पाए लेकिन यहाँ का जो व्यू है दैट इज माइंड ब्लोइंग व्यू। यदि आप गणपति उत्सव या कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान जाते हैं तो आपको नासिक ढोल की बीट सुनने और देखने को मिलेगी। बिलीव मी, जैसे ही नासिक ढोल की बीट्स मेरे कानों तक पहुंची तो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड एनर्जेटिक फील होने लगा। दूसरे दिन की शुरुआत आप दाराय माता मंदिर से कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, ऊपर चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं माता जी का। दरियाई माता मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ का जो व्यू है दैट इज रियली स्टनिंग। यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वाटरफॉल का, और आप देख सकते हो कि सामने कितना ब्यूटीफुल वाटरफॉल है एंड दिस इज द प्लेस विच कैन मेसमराइज यू। सो दिस इज ब्यूटीफुल प्लेस, प्लस जो स्टेप्स है वो भी बहुत ही कम है तो सीनियर सिटीजन भी आ सकते हैं और बहुत ही ईजी वाला ट्रैक है।
दरियाई माता मंदिर से हम लोग थोड़ा पहाड़ी चढ़ के ऊपर आए हैं रॉक क्लाइंबिंग टाइप करके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी फिलहाल एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे 360 डिग्री व्यू आ रहा है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव भी दिख रहा है, अमेजिंग। यहाँ पे छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग भी है, अमेजिंग। इतना ऊपर आके मंदिर होना, अमेजिंग। इट्स रियली रियली पीसफुल हियर एंड अगर आपको नेचर को एंजॉय करना है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं एंड यू विल एंजॉय द नेचर, द पॉजिटिव वाइब्रेशन हियर, अमेजिंग। हम दरियाई मंदिर देखने के बाद आए हैं अभी नवश्या गणपति के मंदिर में। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आप कोई भी इच्छा है वो आप मान सकते हो, और इच्छा पूर्ति वाला ये मंदिर है, और जैसे आपकी इच्छा पूरी होती है तो आपको एक घंटी बांधना होता है, तो यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ भी थी एंड इट इज़ रियली रियली पीसफुल हियर। हम अभी नवश्या गणपति मंदिर से आए हैं बालाजी मंदिर, थोड़ा सा हम लोगों ने ट्रैवल किया अराउंड 1 किलोमीटर और हम आए हैं बालाजी मंदिर में, तो चलो अंदर जाते हैं। फिर आप सोमेश्वर वाटरफॉल को देखने जा सकते हैं जो बहुत ही विशाल है और पानी का प्रवाह बहुत स्ट्रांग है। ये वाटरफॉल बहुत ही बड़ा और जायंट वाटरफॉल है और थोड़ी थोड़ी छींटे यहाँ तक आ रहे हैं, इट्स रियली ब्यूटीफुल। सोमेश्वर वाटरफॉल देखने के बाद आप सोमेश्वर मंदिर जा सकते हैं जो भगवान शिव को समर्पित है। तीसरे दिन आप त्र्यंबकेश्वर का पूरा टूर कर सकते हैं और शुरुआत त्र्यंबकेश्वर मंदिर से ज़रूर करें। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए हम आपको मंदिर को अंदर से नहीं दिखा सकते। आप ब्रह्मगिरी पर्वत की एक्साइटिंग ट्रैक पर भी जा सकते हैं जहाँ गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। ट्रैक टू ब्रह्मगिरी इज मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, 2 hours ऑफ ट्रैक एंड व्यूज आर अमेजिंग फ्रॉम द टॉप। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास पाहिने वाटरफॉल है जहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। पाहिने वाटरफॉल तक का ट्रैक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और ये ट्रैक बहुत ही ईजी ट्रैक है 30 to 45 minutes का। हम अभी पाहिने वाटरफॉल से अंधानेरी मंदिर में आए हैं। अंधानेरी मंदिर ये हनुमान भगवान का मंदिर है और इसको कहा जाता है कि शायद ये हनुमान जी का बर्थ प्लेस भी है। यहाँ पे हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति भी है, तो चलो देखते हैं। हम अभी अंजनेरी हनुमान मंदिर से आए हैं कॉइन म्यूजियम में, एशिया का 1 and only म्यूजियम है, तो चलो देखते अंदर जाके कि क्या है। आइए अब नासिक में खाने की जगह पर नजर डालते हैं। मिसल खाने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है साधना चुलीवर्ची मिसल। यहाँ लकड़ी की आग पर मिसल को तैयार किया जाता है और मिसल का स्वाद बहुत स्वादिष्ट है। जस्ट आउटसाइड साधना चुलीवर्ची मिसल यू कैन ईट यूनिक फायर पान। अगर आप पानी पूरी के शौकीन हैं तो आपको झटका पानी पूरी वाले के पास तो ज़रूर जाना चाहिए। झटका पानी पूरी की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी यूनिक है लेकिन टेस्ट नॉर्मल है। हालांकि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है मामा द्वारा पानी पूरी परोसने का अनोखा तरीका। फ्लैश मारो। आई लव। आई लव। दबाओ जैसी भी।
अगर आप नासिक में हो तो समर्थ जूस सेंटर पे तो जाना बनता है। ये 60 इयर्स से भी ज़्यादा समय से जूस को सर्व कर रहा है। समर्थ जूस में पाइनएप्पल का जूस सबसे ज़्यादा फेमस है और स्वाद भी बहुत अच्छा है। पाइनएप्पल के टुकड़े होते हैं प्लस आइसक्रीम भी होती है। वी ऑल्सो ऑर्डर्ड सीताफल क्रीम जो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। जब भी मैं दोबारा नासिक आऊँगी तो समर्थ जूस सेंटर ज़रूर जाऊँगी। नासिक में आप अनोखा रुमाली खाखरा खा सकते हैं जिसे चटनी के साथ परोसा जाता है। रुमाली रोटी और खाखरा के स्वादिष्ट मिश्रण का आनंद अवश्य लें। आप गुद्दा हलवाई भी जा सकते हैं जो 50 वर्षों से अधिक समय से जलेबी परोस रहा है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक के लिए बहुत आइडियल प्लेस है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो पंगत थाली में वेज थाली ट्राई करें। थाली की हर एक डिश बहुत ज़्यादा यमी है। आई एम श्योर कि ये नासिक की 3 दिन की आइटिनरी आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।